आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 447, 447। और आज भी बात होगी मकर लग्न में गुरु की, और कहां से बात होगी, अब पंचम स्थान से आगे बात होगी। इस विषय को आप पिछले चैप्टर में सुनी ले चुके हैं, इसीलिए इसको कहने की जरूरत नहीं, इसको अप्लाई करने की जरूरत है। तब गुरु कालपुरुष के पत्रिका में द्वादशेश और नवमेश होकर के पंचम में बैठा है। गुरु दूसरे का, पांचवें का, नवें का और ग्यारहवें का सिग्निफिकेटर होकर, फिक्स सिग्निफिकेटर होकर के पंचम में बैठा है। इस पत्रिका में द्वादशेश और तृतीयेश होकर के पंचम में बैठा है। और गुरु यदि यहां अकेला है तो अल्पसुत, अल्पसुत राशि भी यहां पड़ी हुई है, यह भी देख लीजिए। वृष राशि को अल्पसुत राशि कहते हैं, तो इसीलिए संतान कम हो सकता है। और संतान में यदि गुरु मजबूत स्थिति में बैठा हो तो संतान में पुत्र संतान अर्थात मेल चाइल्ड देने में भी परेशानी हो सकता है कि हो। यहां हम कॉन्फिडेंटली इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम तो सिर्फ गुरु को ही लेकर के चल रहे हैं, अन्य ग्रहों को तो अभी रखा नहीं। फिर भी यदि आप एक एक ग्रहों के प्लेसमेंट को समझेंगे तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा किसी भी पत्रिका को समझना। अब गुरु यहां बैठा, द्वादशेश होकर के बैठा पंचम में, तो क्या करेगा, हायर एजुकेशन में डिस्टर्ब करेगा, संतान को होने में परेशान करेगा, स्व विवेक की कमी हो सकती है, या उस समय जिस समय आपको जरूरत है उस समय आपका विवेक जागृत ना हो, तो ऐसे विषयों को यहां समझेंगे। अब इसकी दृष्टि देखिए, नवम के ऊपर है, लाभ के ऊपर है और लग्न के ऊपर है। ये पंचम स्थान में गुरु के स्थित होने से हमको क्या होगा कि लाभ में कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा, भाग्य की वृद्धि होती रहेगी और हम स्वास्थ्य लाभ भी अच्छा प्राप्त करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर हो तो जातक स्वस्थ भी रहता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि द्वादशेश गुरु देख रहा है भाग्य की हानि होगी, द्वादशेश गुरु देख रहा है लाभ नहीं होगा, द्वादशेश गुरु देख रहा है स्वास्थ्य में परेशानी होगी, ऐसा नहीं कहेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब गुरु इस स्थान को देखा तो पिता से, धर्म से, भाग्य से संबंधित सभी विषयों में वो विषय पुष्पित और पल्लवित होते रहेंगे। लाभ को देख रहा है तो बॉस के साथ अच्छा रहेगा, बड़े भाई के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा, अपने से सीनियर मित्र जितने भी हैं सबसे प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा बना रहेगा। और लग्न में है तो ज्ञानवान भी होंगे, ज्ञान की कमी नहीं होगी। अब यदि गुरु छठे स्थान में स्थित हो जाए, अब गुरु छठे स्थान में स्थित है, सिग्निफिकेटर पंचम का है, सिग्निफिकेटर किसका है, सेकेंड हाउस का है, सिग्निफिकेटर किसका है, इलेवेंथ हाउस का है, नाइन्थ हाउस का है। अब वो जिस हाउस का फिक्स सिग्निफिकेटर है, फिक्स स्थिर कारक है, उसके हिसाब से देख ले तो गुरु छठे में बैठ करके भी धन दे सकता है, वैसे तो इसकी दृष्टि भी जा रही है, छठे में बैठ करके भाग्य को अनुकूल और प्रतिकूल बना सकता है, छठे में बैठ करके लाभ को अनुकूल और प्रतिकूल बना सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, पत्रिका में स्थिर कारक जहां जहां के हैं उसका भी रिजल्ट कर रहा है, करना चाहेगा। तो अब छठे में गुरु है, इस पत्रिका का द्वादशेश है, द्वादश स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो ऐसे स्थिति में गुरु को यहां बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। तीसरे और छठे में हमने पहले ही बोला है, आठवां बारहवां तो किसी भी ग्रह के लिए अच्छा नहीं कहा गया, न तो शुभ ग्रह के लिए न अशुभ ग्रह के लिए, लेकिन यदि गलती से कोई चला जाए तो शुभ ग्रह ही जाए, अशुभ ग्रह जाने से ज्यादा नुकसान होता है आठवें और बारहवें का। तो यहां पर गुरु की दृष्टि द्वादश स्थान के ऊपर है, तो जातक व्यभिचारी भी हो सकता है, जातक अपव्ययी हो सकता है, और अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव यदि है तो
तो जातक जेल भी जा सकता है। कहेंगे अपने घर को देख रहा है फिर भी, अरे जेल यात्रा कराता ही बारवां है, अस्पताल भेजता ही बारवां स्थान है, और वो जब एक्टिव होगा तो कैसे नहीं जाएंगे, संभावना है हमारे जाने की। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहां से दशम स्थान को भी दृष्टि दे रहा है, तो दशम स्थान के ऊपर दृष्टि दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि कार्य के क्षेत्र में आप बहुत अच्छे रहेंगे, कार्य के क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां हम दृष्टि को जैसे ही लेंगे वैसे ही हमको ये भूल जाना है कि ये द्वादशेष है। जब तक स्थिति को देखेंगे तब तक हम इसके द्वादशेष को मान के चलेंगे, दृष्टि में द्वादशेष का गुण नहीं आएगा तो पद की प्राप्ति होगी, पदोन्नति हो सकता है, अच्छे पद पर काम करेंगे। कार्य के क्षेत्र में जितने भी आपके अनुयायी हैं, आपसे छोटे बड़े जो भी आपके सहकर्मी हैं उसका सहयोग आपको मिलता रहेगा। और यहां से गुरु का एक कुटुंब स्थानों के ऊपर दृष्टि है, वाणी स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो वाणी बहुत प्रखर होगी, भरा पूरा परिवार होगा, कुटुंबजनों से बड़ा लगाव होगा और धन की कमी नहीं होगी। अब गुरु की अंतरदशाओं में धन की कमी नहीं होगी, जरूरत पड़ेगा तो ऋण ले लेंगे, लेकिन धन को कम नहीं होने देंगे। जब कोई ऋण ले मिलेगा कि नहीं, ऐसे में अगर इस स्थिति में हमको ग्रह दिखाई देता है हम कहते हैं मिल जाएगा। तो यहां धन की कमी अगर होगी और हमें जरूरत है तो ये छठे में बैठा हुआ, इसको भी एक्टिव कर रखा है, इसका मतलब हम ऋण के लिए आवेदन दे देंगे और हमको ऋण प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सप्तम स्थान में गुरु, ये दिग्बल शून्य हो जाता है यहां, और उच्च का हो जाने से बहुत प्रभाव नहीं आता। आप देखेंगे इस इलाके में गुरु होगा तो बड़ा कमजोर दिखता है सड़बल में, सड़बल वाला चैप्टर बहुत सारा चैप्टर खुला पड़ा है। हम तो रोज माफी मांगते हैं आप लोगों से कि चैप्टर तो खोल दिए पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश में है कि सारे चैप्टर पूरा करें, पहले इसको खींच करके अब मीन राशि तक ले चलें। तो यहां पे गुरु है उच्च का, लेकिन क्या है इस पत्रिका का द्वादशेष भी है, तो स्थिति के अनुसार क्या करेगा, यह सप्तम की हानि कर देगा, अर्थात पति पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं रहने देगा, सामंजस्य में कमी हो जाएगा। जातक होशियार हो जाएगा क्योंकि उस लग्न को दृष्टि दे रहा है। अब ये यहां नहीं कह सकते कि इसी जातक की गलती होगी, एक ज्योतिष ही एक ऐसा है जो ये समझ सकता है पति पत्नी की पत्रिका को देख के कि गलती किसकी है, दोनों की गलती है या पत्नी अच्छी नहीं है या पति अच्छा नहीं है, ये एक एस्ट्रोलॉजर समझ सकता है। यदि वो विधिवत पत्रिका को देखे, स्टेप वाइज पत्रिका को देखे, तो यहां ये स्वविवेकी होगा, बहुत अच्छा बुद्धि विवेक ज्ञान होगा क्योंकि लग्न के ऊपर दृष्टि है, और बहुत पराक्रमी भी होगा और लाभ की भी कमी नहीं होगी। जो पराक्रमी हो, लाभ की कमी नहीं हो, जिसके पास बुद्धि और ज्ञान विवेक भी हो, वो सामने वाले को क्या समझेगा, आप समझ ही सकते हैं। तो हो सकता है कि इसके वैवाहिक जीवन में ये द्वादशेष का सप्तम हो जाने के कारण इसके अंदर दोष आ गया हो, लेकिन पत्नी गुरु को सिर्फ अब देख लेंगे तो गुरु है कर्क राशि में है तो पत्नी अच्छी मिलेगी, सुशील मिलेगी कह सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सप्तम से संबंधित पीड़ा इस गुरु की वजह से होगा, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये गुरु यहां बैठ करके आपके वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा रहने देगा, क्योंकि तात्कालिक रूप से ये द्वादशेष भी है। तो इस बात को अगर हम समझे बगैर आगे बढ़ गए तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं कि गुरु आठवें स्थान में स्थित हो, आठवें स्थान में कोई भी ग्रह गया तो उसका नुकसान हुआ, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, द्वादशेष गुरु है उसकी दूसरी राशि तीसरे स्थान में है,
इसीलिए साहचर्य के नियम से बहुत अनुकूल नहीं हुआ। साहचर्य के नियम से यदि ये अनुकूल हो जाता तब तो अच्छी बात थी, लेकिन साहचर्य के नियम से अनुकूल नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ हर्ष विमल और सरल योग विपरीत राजयोग की बात जो है वो लागू हो जाती है। कम से कम शुभ ग्रह अष्टम में है, अशुभ ग्रह होता तो अष्टम को और बिगाड़ता, और द्वादशेष होकर के अष्टम में है तो ये विपरीत राजयोग है। यहां बैठे गुरु आपको जीवन में संघर्ष तो देंगे, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता निश्चित देंगे, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा कि हम परिश्रम करते रहेंगे और हमको फल ही नहीं मिलेगा। आप यदि परिश्रम करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा, इसी को विपरीत राजयोग कहते हैं। राजयोग है परिश्रम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लक फेवर कर रहा है, काम होते जा रहा है, लेकिन यहां क्या है कि आपको परिश्रम करने का अवसर उपलब्ध होगा। यदि आप परिश्रम करते हैं तो आपकी सफलता, यदि आप परिश्रम करने में पीछे हट गए तो फिर आप सफल नहीं होंगे, फिर ऐसे योगों का कोई लाभ नहीं होगा। और यहां से दृष्टि कहां है, द्वादश स्थान के ऊपर। यहां से दृष्टि कहां है, धन स्थान के ऊपर। तो द्वादश स्थान के ऊपर दृष्टि है तो अपव्ययी हो सकता है, धन स्थान के ऊपर दृष्टि है तो कुटुंब बहुत समृद्ध हो सकते हैं, अच्छे परिवार में जन्म हो सकता है, वाणी बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसे में कभी कभी कहते हैं कि ऐसे जातक के जिह्वा पे सरस्वती का निवास होता है, गुरु की दृष्टि है, जो भी बोलेगा वो संभव है कि वो सच निकल जाए। कह सकते हैं कि गुरु अष्टम में बैठा है, गुप्त ज्ञान लेकर के ही रहेगा, ऑकल्ट साइंस में भी आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे बातों को भी समझने की जरूरत है, लेकिन गुरु की जैसे ही दशा आएगी तो सबसे पहले ये समझना होगा कि जातक चोटिल होगा या नहीं। जातक का दुर्घटना का तो योग बन ही गया अगर गुरु अंतर दशाओं में आया तो क्या छोटा मोटा चोट दे करके रह जाएगा। यही मंगल और शनि यहां होता तो फिर बड़ा एक्सीडेंट करा सकता था। तो ये अंतर हो जाता है शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह के अष्टम और द्वादश में स्थित होने पर। अब यहां से और दृष्टि, अन्य दृष्टि कहां जाएगी, नौवीं दृष्टि सुख स्थान के ऊपर। जातक को भूमि भवन मकान इसकी कमी नहीं होगी, धन की भी वृद्धि कराता है, सुख की भी वृद्धि कराता है। यहां अपने कार्यकत्वों की हानि कर लिया, हो सकता है संतान में पुत्र ना हो, हो सकता है कि बहुत ऐसे घर में पैदा ना हुए हो जहां बहुत धन संपत्ति है, लेकिन अपने दृष्टियों से धन को और सुख को विस्तार देता है, इसीलिए जातक सुखी और धनी हो सकते हैं। ऐसा कहना बहुत आसान है, और आप जब बोलेंगे जब आपको सामने से रिजल्ट मिलेगा तब आप समझेंगे कि हाँ आपने क्या कहा। चलिए आप लोग अंत तक बने रहते हैं, इसके लिए आप लोगों का बड़ा धन्यवाद, और पुनः दोहराएंगे कि अगर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। कंसल्टेशन और एजुकेशन का काम हम अपने यहाँ से करते हैं, आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो भी आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और एजुकेशन की ज़रूरत हो कोई भी ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष और वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार का पढ़ाई हो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत